नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूँ आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। काफी विद्यार्थी यहाँ पर अनुप्रति कोचिंग योजना को लेकर परेशान हो रहे हैं। एक सवाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है बार बार कि मेरा नंबर आ जाएगा क्या, मुझे फ्री कोचिंग मिल जाएगी क्या, इस कोर्स के लिए मैंने आवेदन किया है। ऐसे बहुत से सवाल देखने को मिल रहे हैं। इन सभी सवालों के जवाब आज आपको देखने को मिल जाएंगे। विद प्रूफ बताने वाला हूँ कि कितनी परसेंटेज के आसपास आपका नंबर देखने को मिल जाता है। ये ध्यान रखें, जो परसेंटेज जो आती है किस हिसाब से आती है, इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। ध्यान रहे, वीडियो में अंत तक बने रहें। सभी जिलों की कट ऑफ में आपको बताने वाला हूँ कोर्स वाइज कि कितनी कितनी परसेंटेज जाती है। ध्यान रखें, तो आज आपके सामने जो लिस्ट देखने को मिल रही है ना, आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रही है। ध्यान रहे, 2023-24 में जो फेस फर्स्ट के जो फॉर्म भरे गए थे ना, अप्रैल में फॉर्म भरे गए थे, मई में लिस्ट आई थी। तो ध्यान रहे, मई का नोटिस है भैया, ध्यान रखे। मैं बता रहा हूँ कि पिछला जो कट ऑफ क्या रहा, 30,000 सीटें हैं जिसमें 19,000 सीटों पर अलॉटमेंट हो चुका था। उसके बाद में 11,000 सीटें खाली हैं। 11,000 सीटों पर फेज सेकंड के फॉरम चल रहे हैं भैया, ये ध्यान रखो। जिसने नहीं लगाया है वो लगा देना, और आज की कट ऑफ देखने के बाद में कुछ विद्यार्थी जरूर फॉरम लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर कट ऑफ कम देखने को मिलती है। हम अधिकतर सरकार की जितनी भी योजनाओं का देखते हैं तो 90 से ऊपर मतलब की कट ऑफ देखने को मिलती है। फ्री स्कूटी की बात करूँ तो वहां तो कट ऑफ अलग ही लेवल का रहता है, लेकिन यहाँ पे बात करूँ मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना है, जो फ्री कोचिंग योजना है, यहाँ पर कट ऑफ है थोड़ा सा डाउन रहता है भैया, क्योंकि यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बहुत सी समस्या है लोगों को। क्या तो कंप्लीट कर चुके हैं, या सीमित समय के लिए जो चीजें होती हैं वो आवेदन नहीं कर सकते हैं, किसी के डॉक्यूमेंट्स में इश्यू रहता है, या फिर किसी के आय सीमा से रिलेटेड समस्या रहती है। ऐसी बहुत सी समस्या देखने को मिलती है। तो बात करते हैं यहाँ पर आज कट ऑफ के बारे में, कि लगभग संभावित कट ऑफ क्या रह सकती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले फेस फर्स्ट में 19,000 सीटें थी, फेस सेकंड में अब यहाँ पर 11,000 सीटें हैं, तो कट ऑफ पे कितना अंतर पड़ेगा यह भी देखने वाली बात होगी। तो जी हाँ, स्क्रीन पर देख लीजिए भैया, फेस फर्स्ट की जो मई में आई थी ना लिस्ट, 3 मई को लिस्ट देखने को मिली थी, यह फेस फर्स्ट की लिस्ट है। इसमें देख लो, जिले वाइज आपको बता देता हूँ। देखो क्लैट को लेकर देखो भैया, क्लैट पे फॉरम ही बहुत कम लगे थे। यहाँ पर देखो कट ऑफ क्या देखने को मिल रही है, एससी के 77 गई थी। बात करूं अजमेर जिले में ही, यहाँ पर कॉन्स्टेबल एग्जाम के देखो AWS की 57 कट ऑफ गई थी। AWS की यहाँ पर देखो 57 तक भी आया हुआ है, जिसके डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेबल थे, है ना। ओबीसी के देखो भैया, यहाँ पर ओबीसी में 78 के आसपास गई थी, 77 के आसपास गई थी। एसबीसी की बात करूं 54 के आसपास गई थी। ये कॉन्स्टेबल की रिलेटेड बात हो रही है, ये ध्यान रखो। एससी के देखो, एसटी के देखो भैया, 50 पे भी आया हुआ है। AWS के और स्टूडेंट हैं जो अलग है, मतलब कि इंजीनियरिंग और मेडिकल कोर्सेज को लेकर हैं, यहाँ पर देखो कट ऑफ अलग 80-85 के आसपास, ये ध्यान रखो। ओबीसी के देखो 100 वाले का भी नंबर आया हुआ है, लेकिन मिनिमम देखें तो मिलेगा। देखो इंजीनियरिंग वाले जो कोर्सेज है ना, नीट जेई, यहाँ पे कट ऑफ बिल्कुल 90 के आसपास है भैया, ध्यान रखो। 90 से डाउन यहाँ पर बहुत कम देखने को मिल रहा है, ये ध्यान रखें। लेकिन बात करूं बाकी में, देखो ओबीसी की कट ऑफ यहाँ पर देखो इंजीनियरिंग मेडिकल, अजमेर जिले की बात हो रही है भैया, ध्यान रखना, 89 तक आया हुआ है। उसके बाद में देखो एसबीसी और एससी का देखो, यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि 90 के आसपास रहेगा, तो ध्यान रखो यहाँ पर देखो देखने को मिल रहा है 90 से भी डाउन है भैया। एससी का तो कट ऑफ यहाँ पर 90 से भी डाउन रहता है, देखो 82 तक भी आया हुआ है। नीट जेई की जो कोचिंग होती है ना, उसके लेकर तो यहाँ पे तो काफी कट ऑफ डाउन है। तो आप फॉर्म लगा सकते हैं, आपका अगर एप्लीकेबल रहेंगे तो आपको अच्छे तरीके से देखने को मिल जाएगा। ये तो डिपेंड करता है, डिपेंड करता है कि आपने कोचिंग कौन सी चूज की है, उस कोचिंग पे कितने मतलब कि फॉर्म लगे हैं उस कोचिंग को लेकर। तो यहाँ पे जो डाटा इस तरीके से देखने को मिलता है, तो ध्यान रखो। देखो अजमेर जिले में अब रीट की बात कर लेते हैं भैया, देखो AWS का देखो 95 पे आया हुआ है, उसके बाद में डाउन होता चला गया। ओबीसी देखो यहाँ पर 80 के आसपास चल रहा है, और भी डाउन है, 70 के आसपास भी देखने को मिल रहा है रीट एग्जाम में। एससी की बात करूं तो एससी में कट ऑफ फिर से यहाँ पर देखो 56 तक है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं ना वहाँ पे काफी समस्या होती है, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हो पाता है किसी कारणवश, इनको इश्यू चल रहा होता है, जाति प्रमाण पत्र हुआ या फिर आय सीमा से रिलेटेड जो क्राइटेरिया, तो पुराना अपलोड कर देते हैं, नया अपलोड नहीं करते हैं, तो फॉर्म रिजेक्ट होगा भैया, ध्यान रखें। यहाँ पे AWS को लेकर देखो, RPSC से रिलेटेड जितनी भी RAS की वैकेंसी है उसको लेकर कट ऑफ देख लीजिए भैया। मैं आपको एक जिले की बता रहा हूँ ना, बाकी के सभी की अब देखो यहाँ पर क्या है, 1170 के आसपास पेज हैं, सभी का बैठाने बैठूंगा तो यहाँ पर 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा, जैसा कोई मतलब नहीं है। मैं उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूँ, बाकी सब आपको PDF अवेलेबल करवा देता हूँ। 3 मई का पोस्ट आप देख लेना टेलीग्राम पर, वहाँ पे PDF ऑलरेडी अवेलेबल है, फिर से पोस्ट कर दूंगा PDF, ध्यान रखें, कोई दिक्कत नहीं, आपको देखने को मिल जाएगी। और 2022-23 का जो सेशन रहा उसकी भी PDF अवेलेबल करवा दूंगा, उसमें भी देख लेना कट ऑफ कितनी जाती है किस कोर्स की, तो दिक्कत नहीं आएगी, ध्यान रखें। अजमेर जिले में देखो भैया आरएएस की रिलेटेड कट ऑफ देख लो भैया, यहाँ पर एससी एसटी और AWS का देखो यहाँ पर लगभग इतनी जाती है। RBSC CBSC इनकी जो कट ऑफ देखने को मिल रही है आपके सामने स्क्रीन पर देखने को मिल रही है, ये जो PDF है ना, ये आपको मैं बता दूंगा। आप देखो सवाल जो सबसे इंपॉर्टेंट बनेगा यहाँ पर कि
एक सवाल कि 19,000 सीटें थी तब यह कट ऑफ रही थी, अब 11,000 सीटें हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकता है, 1-2% ऊपर जाएगा, लगभग इतना ही रहने वाला है, 1-2% का अंतर आएगा, क्योंकि बहुत से विद्यार्थियों ने फॉर्म लगाया भी नहीं है, यह भी समस्या देखने को मिल रही है। AWS में समस्या आ रही है, तो AWS की सीटें यहाँ पर अभी देखने को मिलेंगी खाली एक तरीके से, जब तक सोल्यूशन नहीं होता। अभी अनुप्रति कोचिंग योजना फेज सेकंड के फॉर्म चालू है, लास्ट डेट 15 अगस्त है, इसके बाद नहीं बढ़ेगी भैया, ध्यान रखो, एक बार बढ़ चुकी है, इसके बाद में बार बार नहीं बढ़ती, एक बार ही बढ़ती है, ध्यान रखें। तो जो भी एप्लीकेबल है वो लगा देना फॉर्म यहां पर। देखो आरएएस की बात हमने हो गई ना, आरएसएसबी की जो वैकेंसी है लेवल 5 से 10 वाली, यहां पे देखो, यहां पे कट ऑफ देख लो भैया, पटवारी की कट ऑफ देख लो, जूनियर अकाउंटेंट से, जूनियर असिस्टेंट से रिलेटेड कट ऑफ देख लो, कैटेगरी वाइज यानी 70-80 पे आराम से एडमिशन आपको देखने को मिलता है, फ्री कोचिंग मिल जाती है भैया। तो जो इन विद्यार्थियों के यह रहता है कि 90 वालों का ही एडमिशन होता है, भैया ऐसा नहीं है, आपकी कट ऑफ कम है और एप्लीकेबल है तो भी आपका नंबर आ सकता है, बस आप फॉर्म लगाइए। अजमेर जिले से यूपीएससी का कट ऑफ देख लो भैया, यूपीएससी देखो 96 पे आया AWS का, उसके बाद में कम होता गया, एससी पे देखो भैया 94 पे भी आया हुआ है, 84 पे भी आया हुआ है, एप्लीकेबल है तो बिल्कुल आएगा, स्पेशल एबल्ड वालों का 75 पे भी आया हुआ है। तो ये अब फिर दूसरा जिला चालू हो जाता है अलवर, देखो यहाँ पे अलवर में तो फिर भी कट ऑफ और भी डाउन है कॉन्स्टेबल को लेकर देखो। तो ऐसे ये सारी पीडीएफ अवेलेबल है, हर जिले की है भैया, ध्यान रखें, आपको अवेलेबल हो जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, पीडीएफ देखने को मिल जाएगा, 1100 प्लस पेज है यहाँ पर देखने को मिलेंगे, अपने अपने जिले का चेक कर लेना, ध्यान रहे। तो आने वाले समय में इससे रिलेटेड, अनुप्रति कोचिंग योजना से रिलेटेड, अब सवाल है कि लिस्ट कब देखने को मिलेगी, इसको लेकर मैं बता देता हूँ भैया, 15 तारीख जैसे ही आपके डेट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, डेट नहीं बढ़ेगी, अब बढ़ी तो फिर मैं बता दूंगा, मुझे कम लगता है चांस की बढ़ने का, लेकिन अगर डेट बढ़ी तो आपको मैं सूचना दे दूंगा, नहीं बढ़ती है तो क्या करना है, ये ध्यान रखें, इंतजार करेंगे 2 या 3 दिन के बाद में, यानी कि 20 अगस्त से पहले पहले आपको लिस्ट देखने को मिल जाएगी, लगभग लगभग तैयारियां पूरी हैं लिस्ट आने को लेकर, ये ध्यान रखें, 15 अगस्त को डेट खत्म हो जाए उसके बाद में 2-4 दिन के अंदर आपको फाइनल लिस्ट देखने को मिल जाएगी जो रहेगी, उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, ये ध्यान रखें, जिसका भी नाम आए उसको कोचिंग जाना पड़ेगा, ये ध्यान रखें, और उसके बाद आपकी सीट कन्फर्म हो जाएगी इस तरीके से, मतलब बायोमेट्रिक अटेंडेंस के थ्रू आपकी सीट कन्फर्म हो जाएगी। तो ध्यान रहे, ये कुछ जानकारी थी मैंने अवेलेबल करवाई है, काफ़ी सवाल आते हैं कि भैया डेली सवाल आ रहे हैं कि मेरा अनुपूर्ति में हो जाएगा क्या, मुझे फ्री कोचिंग मिल जाएगी क्या, मिल जाएगी, थोड़ा सा धैर्य रखें, सीटें काफी हैं, 11,000 इतने फॉर्म इस बार लग नहीं पाए हैं, फेस सेकंड को लेकर काफी विद्यार्थियों में कंफ्यूजन बना हुआ है, काफी डॉक्यूमेंट्स में इश्यू देखने को मिल रहे हैं। तो ध्यान रहे, आने वाले समय में इससे रिलेटेड जो भी अपडेट होगी चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी, जुड़े रहे चैनल के साथ, और उम्मीद करता हूँ कि सभी का एडमिशन आए, सभी को मेरी तरफ से तो शुभकामनाएं भैया, मैं तो यही चाहता हूँ कि सभी को फ्री कोचिंग मिल जाए, सभी एडमिशन ले लें अच्छे तरीके से। तो ध्यान रहे, अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्या सवाल आपका बनता है, अब क्या सवाल आप चाहते हैं भैया इसके बारे में मुझे बता दीजिए, AWS का तो प्रॉब्लम चल रहा है मुझे भी पता है, डिपार्टमेंट से काफी बात हो रही है लेकिन वो भी सोल्यूशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो एक तरीके से बात करूं जाति प्रमाण पत्र AWS जो अपडेट होता है ना, वो रिगार्डिंग अपडेट हो ही नहीं रह पा रहा है जनाधार में, तो समस्या बन रही है, जब तक ऑफिशियली अपडेट डिपार्टमेंट से नहीं आएगा तब तक हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं, ध्यान रहे। इसके अलावा कोई जानकारी आपको चाहिए इससे रिलेटेड तो कमेंट कर देना, आपको जवाब मिल जाएगा, या फिर हमारे इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे बात कर लेंगे, वहां पर आपको जरूर जवाब मिल जाएगा, ध्यान रहे। आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, थैंक यू।